देसी एग्रो में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्ट्रॉ रीपर ब्लेड्स का, जो आप सामने देख सकते हैं। ये शार्प कंपनी का ब्लेड है, एम टाइप। इसका प्राइस इस टाइम मार्केट में 30 रुपये पर ब्लेड है, और एक पाउच में ये करीब 25 ब्लेड आते हैं। और जो मैं ब्लेड आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 mm में है। इसमें 3 mm में भी आते हैं, लेकिन ये 2 mm का है। और मैं सिंगल आपको दिखाता हूँ, ये ब्लेड आप देख सकते हैं। शार्प की बैजिंग है, और यहाँ से इसकी आप मोटाई देख सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको और दिखाता हूँ। इसमें कुछ ब्रांड्स और भी हैं, जैसे पुजारी का ब्रांड है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। वो भी 2 mm का ब्लेड मैं आपको दिखाता हूँ, टाइप एम। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पुजारी का रिपर। ये जैसे आप मशीन में, ड्रम में जो लगाते हैं भूसा बनाने वाली मशीन में, तो उसमें लगाने के लिए। और ये भी 2 mm का है, टाइप एम ये भी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी क्वांटिटी 25 की होती है एक पाउच में, और इसका प्राइस करीब 24 रुपये आपको पड़ेगा पर पीस। इसकी साइज 2 mm है, ये आप देख सकते हैं। और भी कुछ ब्रांड्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। इसमें 3 mm के भी ब्लेड्स आते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, तो मेरे साथ बने रहें। 2 mm के ब्लेड्स और देख लेते हैं। जैसे ये एक ब्रांड, ये आप देख सकते हैं, V&A गोल्ड करके एक ब्रांड है। ये मोस्टली वी शेप में आप देख सकते हैं ये लगाया जाता है, जैसे कटर जो होता है नीचे रीपर का, कटर में इसको यूज़ किया जाता है। और ये 2 mm का है, और इसको थ्रेसर में भी यूज़ किया जाता है, थ्रेसिंग मशीन में। और इसका जो प्राइस है वो आपको 23 रुपये से 22 रुपये के आसपास पड़ेगा। यहाँ हम आगे देख सकते हैं, ये 3 mm के ब्लेड्स दिए हुए हैं। जैसे आप ये सामने देख सकते हैं, वी शेप में ये 3 mm का ब्लेड है, स्टैंडर्ड कंपनी का। ये जो 3 mm के ब्लेड्स हैं, ये पर पाउच में आपको अप्रॉक्स 20 ब्लेड पड़ेंगे, और इनका जो कॉस्ट होगा वो पर ब्लेड 35 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। जैसा आप देख सकते हैं, ये ब्लेड 3 mm का है। इसके आगे जो दूसरी कंपनी है पुजारी, उसका भी आप देख सकते हैं, ये 3 mm का ब्लेड है, जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो।